टेन न्यूज राजस्थान में आपके साथ अरिंदम जहां सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में 5378 पदों के लिए अब से कुछ ही देर में पटवारी भर्ती परीक्षा शुरू हो जाएगी। प्रदेश के 22 जिलों में पहले दिन आयोजित हो रही भर्ती परीक्षा के प्रथम चरण में 1158 परीक्षा केंद्र पर 386514 अभ्यर्थी सुबह 8:30 से 11:30 तक परीक्षा देंगे। वहीं दूसरे चरण में 1170 परीक्षा केंद्रों पर 391214 अभ्यर्थी दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक परीक्षा देने पहुंचेंगे। वहीं परीक्षा में नकल ना हो इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। अब आपको ये चार तस्वीरें दिखा रहे हैं, जयपुर, अजमेर, टोंक और कोटा की तस्वीरें, जहां पर परीक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। जिस तरीके से रेट परीक्षा पर सवाल खड़े हो रहे थे, इस परीक्षा में इस तरह की कोई भी लापरवाही ना हो, किसी भी तरह की नकल ना हो, इसको लेकर लगातार प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आया। चार तस्वीरें आपके सामने हैं, जयपुर, अजमेर, टोंक और कोटा की तस्वीरें, जहां पर अभ्यर्थियों को कोरोना गाइडलाइंस का भी बखूबी पालन करना होगा। और हमने जिस तरीके से रीट पेपर के वक्त देखा था कि अभ्यर्थी लेट पहुंच रहे थे और ऐसे में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, और उसको मद्देनजर रखते हुए भी इस परीक्षा में, पटवारी भर्ती परीक्षा में, तमाम तैयारियां करी गई है। सेंटर्स पर एक घंटे पहले यहां पर अभ्यर्थियों को पहुंचना पड़ रहा है। चार तस्वीरें आपके सामने हैं, और जयपुर, अजमेर, टोंक और कोटा की तस्वीरें, जहां पर तमाम इंतजाम किए गए हैं परीक्षा को लेकर, किसी भी तरह की इस परीक्षा में कोताही नहीं बरती जाएगी। आपको बता दें कि जिले में 6 बजे तक इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गई है। वही परीक्षा में नकल को रोकने के लिए राजधानी जयपुर में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगा। हमारे संवाददाता बसंत पांडे की एक खास रिपोर्ट देखिए। रीट परीक्षा के बाद पटवारी परीक्षा प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि रीट परीक्षा को लेकर कहीं ना कहीं पेपर लीक के सवाल उठे थे। अब पटवारी परीक्षा को लेकर प्रशासन भी पूरा मुस्तैद नजर आ रहा है। हालांकि जयपुर और दौसा में नेट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक नेट बंद किया गया है। पटवारी परीक्षा के लिए 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह जो अभ्यर्थी है वो अपने परीक्षा केंद्र में पहुंच रहे हैं। कुल 1177 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचेंगे। कि प्रशासन ने पूरा मुस्तैद नजर आएगा, जो अभ्यर्थी अंदर जाएगा उनकी पूरी चेकिंग की जाएगी, प्रशासन द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी, क्योंकि इस बार 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी जिस तरह परीक्षा दे रहे हैं तो सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि प्रशासन पूरा मुस्तैद नजर आएगा। नेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। शाम 6 बजे तक 2 पारियों में यह परीक्षा आयोजित होगी। पहली पारी सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक होगी, वहीं दूसरी पारी 2:30 बजे से 5 बजे तक होगी। हालांकि प्रशासन की तरफ से परीक्षा केंद्रों में लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी और कोई संदिग्ध दिखता है तो उसको हिरासत में भी लिया जाएगा। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के अंदर जाएगा उनके जो परमिशन लेटर है वो भी चेक किए जाएंगे। कैमरा पर्सन तनुज के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज़।